Don't try to teach me. एक विधवा को इस घर की बहू बनाकर समाज और सोसाइटी के सामने मेरी इज्जत के चिथड़े उड़ा देना चाहते हो? इस घर की मान मर्यादा को अपने पैरों तले कुचल देना चाहते हो? तो साहबजादे, यह इज्जत मैंने एक दिन में नहीं कमाई है, बरसों लगे हैं बरसों इस मकाम तक पहुंचने के लिए। खेल तमाशा करते करते नुक्कड़ों पर तुम्हारी जिंदगी खुद एक तमाशा बनकर रह गई है। जानते हो तुम्हारी इस बेहुदा हरकत से क्या होगा? जानते हो, तुम्हारी बहन का रिश्तेदार आने वाले इस दर से वापस लौट जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे, और तुम्हारी बहन हमेशा हमेशा। पापा, भगवान ना करे शादी के बाद आपकी बेटी के साथ भी ऐसा कोई हादसा हो जाए, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि दोबारा आपकी बेटी का कोई हाथ था? अपने ये गंदे ख्याल नौटंकी में जाकर उन लोगों को सुनाओ जो फुटपाथ पर खड़े होकर तुम्हारी बकवास सुनकर अपना वक्त खराब करते हैं। मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक मिनट कीमती है, कीमती। इसलिए मैं तुम्हें कम शब्दों में और थोड़े वक्त में एक बात बता देना चाहता हूं कि इस घर के अंदर कोई विधवा बहू बनकर नहीं आएगी, समझे? मैं अब क्या लेने आए हो? सब कुछ तो खत्म हो गया, चले जाओ, बस चले जाओ यहां से। नमो प्लीज, नमो प्लीज, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से लज्जी को जो दुख पहुंचा है, जो तकलीफ हुई है, उसके बदले में तुम जो चाहो वो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। अरे, जो इंसान खुद समाज की जंजीरों में कैद है उसे कोई क्या सजा देगा? समाज की जंजीरें तो कुछ भी नहीं है नम्मो, मैं तो रिश्तों की जंजीरें तोड़कर आया हूं, अपने मां बाप को छोड़कर आया हूं मैं। क्या नम्मो, तुम इसे मेरी कमजोरी कह लो या बुजदिली, जो मैं लज्जी की भावनाओं को समझ नहीं सका, हकीकत का सामना नहीं कर सका। नम्मो, मैं लज्जी को अपनाने आया हूं, अपना मुझे किसी की परवाह है ना डर, बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं लज्जी से ही शादी करूंगा। और मैं जानता हूं कि यह काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो नम्मो, सिर्फ तुम, प्लीज प्लीज नम्मो। अरे, अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे, मैं तो तुझे डरपोक समझती थी, लेकिन तू तो बड़ा दिल वाला निकला रे। बिल्कुल मेरी तरह। गुड, कीप इट अप। लेकिन बेटे, अभी झुक गए तो झुक गए, शादी के बाद मत झुकना। अरे, जाकर दुल्हन को लेकर आओ, यही फेरे लगवा देते। मैं लड़के वाला और तुम लड़की वाली। लज्जी की शादी क्या ऐसे ही हो जाएगी? अरे, उसकी शादी के लिए तो मैं इस घर को दुल्हन की तरह सजाऊंगी। उसकी शादी मैं इतनी धूमधाम से करूंगी कि तकदीर ने जो उसके साथ खेल खेला है ना, वो तकदीर भी शर्मिंदा हो जाएगी। विकी विकी, स्विट्जरलैंड की टिकटें कैंसिल नहीं होंगी, सिर्फ सिर्फ तारीख बदल जाएगी, सिर्फ तारीख। मैं अभी आती हूँ, आई जस्ट बी बैक। या लज्जी, लज्जी क्या कर रही है? उठ, काम पे जा रही हूँ। चल, अरे सवाल मत कर, आज मैं तुझे सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज? हाँ, एक मिनट, अरे आंखें बंद रख। चल चल चुपचाप, आज मैं तुझे ऐसा सरप्राइज दूंगी ना कि तू बस देखती रह जाएगी। क्या कर रही है तू? इतना मत। कौन है? हाँ, आंखें बंद रख। अभी जब मैं कहूँ तब खोलना। हाँ, ओके ओके, रेडी। देख लीजिए, राहुल आया है, अपना घर बार माँ बाप सब कुछ छोड़ के तुझे अपनाने आया है। लज्जी, वो
तुझसे शादी करना चाहता है। मेरी बहन, मैं आज कितनी खुश हूं, मैं बयान नहीं कर सकती। तेरी पहली शादी मेरे लिए सिर्फ एक खुशी थी, लेकिन ये शादी मेरा अरमान है, मेरा सपना है। मैं इसी वक्त बाबूजी, माँ जी, दादी माँ सबको फोन करके ये खबर सुनाऊंगी। वो तो देखना वो कितने खुश होंगे। लज्जी, वो कितने खुश होंगे। कितने अच्छे हो तुम मेरे लिए। तुम अपना घर बार, माँ बाप सब छोड़ाए। मैंने तो कभी किसी से इतने प्यार की तमन्ना नहीं की थी, ना मुझे उम्मीद थी। ये मेरी खुशनसीबी नहीं तो और क्या है। राहुल, इतना प्यार मत करो मुझसे, मैं तुम्हारा ये प्यार संभाल नहीं पाऊंगी। और मुझे इस बात की खुशी है राहुल कि देर से ही सही तुमने अपना इरादा तो बदला, लेकिन मैंने उसी वक्त अपना इरादा बदल दिया था जब तुम मुझे अकेली छोड़कर चले गए। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लज्जी, ये तू क्या कह रही है? लज्जी, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। You're right, विकी, ये मेरी जिंदगी का ही सवाल है, क्योंकि ये प्यार नहीं है विकी। प्यार तो राहुल ने मुझसे उस वक्त किया था जब उसे मेरी जिंदगी की हकीकत के बारे में पता नहीं था। और आज राहुल यहां प्यार लेकर नहीं, हमदर्दी लेकर आया है। और हमदर्दी उसी से की जाती है जो कमजोर होता है, और मैं कमजोर बनकर जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। और देखा जाए तो अच्छा ही हुआ राहुल, अगर शादी के बाद तुम्हें मेरे बारे में पता चलता तो जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता। और फिर मुझे ऐसा लगता है राहुल, मुझसे ज्यादा तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की जरूरत है। लज्जी, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है?